आइए, आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो मैं आज आप सबके लिए एक स्कार्फ डिज़ाइन लेके आया हूँ। आप इसे स्कार्फ बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हल्की डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन भी जाती है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रोशिया नंबर लेंगे 12। आप 3 mm क्रोशिया भी ले सकती हैं, 11 नंबर क्रोशिया ले सकती हैं, 2.5 mm क्रोशिया ले सकती है। यार मोटी वूल से बनानी है तो 4 mm क्रोशिया ले सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और धागा 4 ply 3 ply जिससे आपको सुविधा हो उस वूल से आप बना सकती हैं इसे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें आप लोग। लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें आप लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने गांठ लगा लिया। गांठ लगाने के बाद यहाँ पर हम 37 चेन बना के कम्प्लीट करेंगे। 1 2 3 4 इसी तरह से हम 37 चेन डालेंगे। यहाँ पे हमने 37 चेन बना के कम्प्लीट कर लिया, यानी 37 चेन हमने बना के कम्प्लीट कर लिया है। अब जिसमें धागा लगा हुआ देखिए, ये चेन छोड़ के इसकी अगली वाली जो चेन है इसमें डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया फिर इसकी अगली वाली चेन में डालेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3 3 चेन लेने के बाद अब देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, जहाँ हमने बुना है इस चेन को छोड़ते हुए इसके अगली वाली चेन से हम काउंट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 फोर्थ नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके बाद एक उसके बगल में जो चेन है उसमें भी हम एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3 ये हमने बुना हुआ है इसे छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये फोर्थ नंबर चेन पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और लेंगे इसके बगल वाली चेन पे। फिर से हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 फिर से देखिए 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 फोर्थ नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है हमें। फिर नेक्स्ट चेन पे डालेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पूरी रो हम इसी तरह से करेंगे, लास्ट में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आनी चाहिए। तो इसी तरह से करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3 इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद ये जो गैप है इसमें हम डालते हुए हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 5 डबल क्रोशिया करना है हमें। 1 ये जो साइड में है इसे छोड़ देंगे, इसके अंदर जो बनाएंगे हम उसमें काउंट करेंगे उसे हम। तो 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे इस गैप में बनाएंगे हम, यहाँ पे डाला हमने 1 डबल क्रोशिया। पूरी रो हम इसी तरह से करेंगे, मतलब यही 2 रो हमें बार बार रिपीट करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 हो गया, 4 और ये 5 फिर इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 5 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया लास्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया किया हुआ है। सेम इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। तो चलिए ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी लाइन बन के कम्प्लीट हो गई। क्रोशिया पर धागा लेंगे और यहाँ पर हमने जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे सबसे लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया पर डालते हुए हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। इस तरह से अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे, इसी चेन में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी अगली चेन में डालेंगे, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी शुरुआत में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 यानी 3 चेन लेना है। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 यानी 4 नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर उसकी अगली जो चेन है यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, फिर से तीन चेन लेंगे यानी थ्री चेन, वन टू और ये थ्री, फिर से यहाँ से काउंट करेंगे अगली चेन से, वन टू थ्री फोर्थ यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसकी अगली चेन में डालेंगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी बीच में हमारे दो सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे वन टू थ्री चेन लेंगे, फिर से आप देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे यहाँ से, वन टू थ्री फोर्थ नंबर चेन पे डाला हमने, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसके नेक्स्ट चेन पे डाला, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया, इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया और एक सिंगल क्रोशिया हम इस चेन पे बनाएंगे, तो टोटल हमारे लास्ट में दो सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। फिर से हम वन टू और ये थ्री चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे डालते हुए फिर से हम फाइव डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया, बार बार आपको यही डिज़ाइन रिपीट करना है। फाइव डबल क्रोशिया हो गया, फिर नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे भी हम फाइव डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस गैप में फाइव डबल क्रोशिया, फिर इस गैप में फाइव डबल क्रोशिया, यहाँ फिर यहाँ और लास्ट में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक डबल क्रोशिया, तो लास्ट में भी आपको यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, ये है सीधे साइड और ये है उल्टा साइड, देख सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद जो नीचे जो हमारी गैप दिख रही है इसमें आप लटकन लगा सकती हैं, वही झालर जो हम मफलर में लगाया करते हैं, तो आपको इसमें उसे लगाना है। तो जब आप इसे बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा लगेगा यह डिज़ाइन, और ऐसा नहीं कि ज़्यादा ये गैप है तो अच्छा रहेगा, ये लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते नहीं हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, आप लोग शेयर करें, फुल वीडियो को देखें, आप लोग फुल वॉच करें, ऐड के साथ देखें। तो चलिए कुछ नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए, थैंक यू।